और अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेविटी के कारण चीजें सरफेस की ओर नहीं गिरती बल्कि सरफेस ही चीजों की तरफ ऊपर की ओर मूव करता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए पार्ट टू जरूर देखना। तो मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इमेजिन कीजिए कि एक आदमी जो कि किसी छत पर काम कर रहा होता है और किसी रीजन से वह उस छत से नीचे गिर जाता है, तब उस आदमी के नीचे गिरते समय वह खुद को वेटलेस महसूस करने लगेगा। आपने भी यह नोटिस किया होगा कि जब आप किसी ऊंची जगह से छलांग मारते हो तो आप कुछ देर के लिए खुद को वेटलेस महसूस करते होंगे जब तक कि आप नीचे जमीन पर नहीं आ जाते। और साथ ही उसके गिरते समय जो चीजें उसके साथ गिरी वह भी उस आदमी के रिलेटिव मोशन में होंगी। अब इसी बात को हम धरती से दूर डीप स्पेस में समझते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे स्पेसशिप में हो जो कि रेस्ट में है और तब आप इसके अंदर रहते हुए खुद को वेटलेस महसूस करने लगेंगे और उसके अंदर की चीजें भी आपके रिलेटिव मोशन में होंगी। तब आप उस स्पेसशिप में रहते हुए यह कह सकते हैं कि आप वेटलेस स्टेट में हैं क्योंकि वहां कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था। बट आइंस्टीन ने जब ये दोनों घटनाओं को देखा तब उन्होंने कहा कि भले ही यह दोनों घटनाएं हमें अलग अलग लग रही हो परंतु यह दोनों घटनाएं सेम ही है, ना कि डिफरेंट। मतलब कि वह व्यक्ति जो छत से गिरा था वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे नहीं गिरा और न ही वह सतह की ओर एक्सीलरेट हुआ बल्कि वह उस स्पेसशिप में बैठे आदमी की तरफ फ्री फॉल की अवस्था में आ गया था। तभी तो दोनों जगह वेटलेस होने का अनुभव हो रहा है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, चलो हम मान भी लेते हैं कि दोनों जगह वेटलेस होने का अनुभव हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति छत से गिरा था वहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ग्रेविटी के कारण वह नीचे की ओर आया तथा सतह पर टकराने के पश्चात उसे चोट भी लगी होगी, ना कि हवा में लटका रहा होगा। पर भले ही यह दोनों घटनाएं हमें अलग अलग लग रही हो बट आइंस्टीन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के अनुसार दोनों घटनाओं में क्या चीज कॉमन है, ऑब्वियसली वेटलेस फील करना। जी हाँ, आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए तभी आपको ये समझ आएगा। चलो डीप स्पेस के उस स्पेसशिप को लेते हैं जो कि रेस्ट में था और क्या हो अगर उस स्पेसशिप रॉकेट के थ्रस्टर को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से एक्सीलरेट करे तो बाहरी ऑब्जर्वर को तो खाली इतना ही दिखेगा कि रॉकेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से एक्सीलरेट कर रहा है। पर रॉकेट के अंदर के व्यक्ति को महसूस होगा कि रॉकेट के अंदर रखी हर चीज रॉकेट के फ्लोर की ओर एक्सीलरेट हो रही है तथा उसे अपने पैरों पर भी एक फोर्स महसूस होगी जो कि अभी आपको इस वीडियो को देखते हुए आप पर भी लग रही है। पर असल में यहाँ हुआ ये कि स्पेसशिप के एक्सीलरेट करते समय स्पेसशिप के अंदर रखी हर चीज उसके फ्लोर की ओर एक्सीलरेट नहीं हुई बल्कि स्पेसशिप का फ्लोर ही चीजों की ओर एक्सीलरेट हुआ। जी हाँ, स्पेसशिप के अंदर की हर चीज तो फ्री फॉल में ही थी, मींस अपनी जगह पर ही थी, जबकि उसका फ्लोर ही चीजों की तरफ आ गया जब वह एक्सीलरेट हो रहा था। इसीलिए आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे देख रहे हो यह इस चीज पर भी निर्भर करेगा। जैसे कि स्पेसशिप के बाहर यदि कोई इस घटना को देखेगा तो उसे साफ साफ दिखेगा कि स्पेसशिप ही चीजों की तरफ गया था, जबकि उसके अंदर बैठे व्यक्ति को लगेगा कि वह स्पेसशिप की सतह की ओर गया, जस्ट लाइक ग्रेविटी। ऐसे ही रोजमर्रा में हमारे साथ भी होता है, हम भी उस स्पेसशिप में बैठे व्यक्ति की तरह धरती के अंदर हैं तथा हमें ग्रेविटी उस तरीके से नहीं दिखती जैसे कि वे असल में है। हमारी धरती निरंतर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के गुरुत्व त्वरण के साथ एक्सेलरेशन में है तथा हमें इसके अंदर रहते हुए यह कभी भी अनुभव नहीं होता। हमारे पैरों के नीचे की सतह लगातार एक्सेलरेशन में है, तभी तो हम सतह पर बने हुए हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी चीज को ऊपर हवा में फेंको तो समझ लेना कि वह वस्तु नीचे नहीं आई बल्कि हम ही पृथ्वी की सतह के साथ साथ उस वस्तु के पास 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ गए। यह अपने आप में ही कितनी अजीब चीज है, राइट? तो इस हिसाब से आइंस्टीन के अनुसार ग्रेविटी जो कि हमें दिखती है वह असल में रिएक्ट कैसे करती है, तो इससे यह साबित हो जाता है।